वेलकम टू कुकिंग कुकिंग विद प्रिया। आज मैं आपको 5 मिनट में बनने वाली बर्फी बनाना बताऊंगी, साथ ही साथ कुछ टिप्स भी आपके साथ शेयर करूंगी। रक्षाबंधन का त्योहार आ रहा है तो आप ये मिठाई अपने भाई के लिए जरूर बनाइए। मार्केट में जो बर्फी मिलती है उसमें मिलावट आती है, लेकिन घर की बनी हुई बर्फी बहुत ही अच्छी बनती है। तो चलिए बिना समय गवाए हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। बर्फी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ट्रे ली है, इसको हम घी से अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे। आपके पास जो भी ट्रे है आप वो ले सकते हैं। चारों तरफ से अच्छी तरह से हमें इसको ग्रीस करना है। अब मैंने एक बटर पेपर लिया है जो इसके अंदर मैं रखूंगी। आपके पास यदि बटर पेपर नहीं है तो आप एल्यूमिनियम फॉइल भी ले सकते हैं। इसको भी हम अच्छे से ग्रीस कर लेंगे, इससे बर्फी आसानी से निकल जाएगी, चिपकेगी नहीं। इसको मैंने ग्रीस कर लिया है तो चलिए अब हम बर्फी बनाते हैं। गैस पे मैंने पैन रखा है और फ्लेम को हमें कम ही रखना है। इसमें मैं 1/4 कप घी ऐड करूंगी। घी मेल्ट हो गया है तो चलिए अब हम दूध ऐड करते हैं। तो मैंने यहाँ पर 1/2 कप दूध लिया है, ये मैं इसमें ऐड करूंगी। एक बार हम अच्छे से चला लेंगे, इसको मिक्स कर लेंगे। 2 कप मैंने यहाँ पर लिया मिल्क पाउडर, ये हम इसमें ऐड करेंगे। गैस की फ्लेम को हमें कम ही रखना है। अच्छी तरह इसको हम मिक्स कर लेंगे। मैंने नॉन स्टिक पैन लिया है, आप चाहें तो मोटे पेंदे की कढ़ाई भी ले सकते हैं, उससे बर्फी बनाने में आसानी रहेगी और वो तल्ले पे लगेगी भी नहीं। इस तरह हमें इसको लगातार चलाते रहना है जब तक कि अच्छे से मिक्स नहीं हो जाए। अब 1/2 कप पीसी हुई शक्कर हम इसमें ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें हमें पीसी हुई शक्कर ही लेनी है, इस बात का आप ध्यान रखें, मोटी शक्कर नहीं लेनी है वरना वो अच्छी तरह से इसमें मिक्स नहीं होगी। लो टू मीडियम फ्लेम के बीच में हमें इसको चलाना है ताकि ये तल्ले पर नहीं लगे, इस बात का आप ध्यान रखें। बिल्कुल हमें इसको एक डो के फॉर्म में लाना है जब तक हम इसको लगातार चलाते रहेंगे। 5 मिनट में आप देखेंगे कि बिल्कुल डो के फॉर्म में आ जाता है। 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे इलायची पाउडर लिया है, ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। आप देख सकते हैं मिश्रण जो है चिकनाई छोड़ने लग गया है, ये बिल्कुल डो के फॉर्म में आने लग गया है। हमें इसको ज्यादा नहीं पकाना है वरना ये हार्ड हो जाएगा, ये देखिए। तो चलिए गैस की फ्लेम को हम बंद कर देते हैं और मिश्रण को हम एक प्लेट में जमा देंगे। अब जो प्लेट हमने ग्रीस की थी जिसपे बटर पेपर लगाया था उसमें हम इसको अब जमा देंगे और अच्छे से हम इसको सेट कर देंगे। इस तरह एक चम्मच की हेल्प से बिल्कुल हम इसको इक्वल कर देंगे और इसको अच्छे से हम जमा देंगे। थोड़े से मैंने यहाँ पर पिस्ते और बादाम लिया, इससे हम इसकी गार्निश भी कर देते हैं। एक बार फिर से हम इसको अच्छे से सेट कर देंगे ताकि ड्राई फ्रूट्स भी इसमें अच्छे से सेट हो जाएं और इसको अब हम ठंडा होने के बाद ही कट करेंगे। बर्फी सेट हो गई है तो चलिए अब हम कट कर लेंगे। इस तरह हम सारे पीस प्लेट में निकाल लेंगे। बर्फी को मैंने प्लेट में सर्व कर लिया है, बहुत ही टेस्टी बर्फी बनी है, खाने में भी बहुत ही टेस्टी है। आप जरूर एक बार इस रेसिपी को ट्राई कीजिए, बनाने में बहुत ही कम समय लगता है। मेरे और भी वीडियोस देखने के लिए आप आई बटन पर क्लिक करके उन्हें देख सकते हैं। यदि आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर पर फॉलो करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पर दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक तो बनता ही है, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करना न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपका दिन शुभ रहे।